आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लंबे समय के बाद राजगीर एक बार फिर सैलानियों से गुलजार है। यहां बड़ी संख्या में सैलानी रोपवे पर सफर कर विश्व शांति स्तूप के दर्शन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सर्दी के मौसम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में आने वाले सैलानी रोपवे के सहारे यहाँ की हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। कोरोना संकट के बाद सैलानी राजगीर आकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। विश्व शांति स्तूप तक जाने वाला ये रोपवे फिलहाल सिंगल सीट वाला है, जिसके सहारे सैलानी विश्व शांति स्तूप तक जाते हैं। नया रोपवे का एक निर्माण हो रहा है, जिसमें पहले एक आदमी बैठते थे, अब 8 लोगों के लिए एक सीट एक केबिन बन रहा है और अभी युद्ध स्तर पर काम लगा हुआ है। यहाँ सब आते हैं, ग्रुप में आते हैं। अगर ये एक अलग मजा है सिंगल का, और वो ग्रुप में बैठ के जाएंगे उसका एक अलग मजा रहेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस रोपवे पर छोटे बच्चों को बैठने की इजाजत नहीं है। हालांकि इसके ठीक बगल में 8 सीटों वाले नई रोपवे के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद सैलानी अपने परिवार और बच्चों के साथ विश्व शांति स्तूप का दर्शन कर सकेंगे। अभी इधर कुछ दिनों से जब से ये रोपवे शुरू हुआ है, एक रौनक यहाँ पर लौटी है। और अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक स्वप्न स्वरूप है ये जो 8 सीटर रोपवे है जो वो बनवा रहे हैं। इसके बाद इस शहर की रौनक, इस राजगीर की रौनक, इस शांति स्तूप की रौनक और बढ़ेगी। नए रोपवे के चालू होने के बाद भी इस पुराने रोपवे को हटाया नहीं जाएगा। बिहार पर्यटन विभाग इसे धरोहर के तौर पर रखने का विचार कर रहा है। 8 सीटों वाली हाईटेक रोपवे का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें 8 लोगों की एक साथ बैठने की सुविधा दी गई है और जिसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि अगले माह तक इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक विश्वकर्मा, वी मीडिया।